चीन की तिब्बत में दमनकारी नीतियों के खिलाफ शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे निर्वासित तिब्बतियों ने आज बड़े स्तर पर आक्रोश रैली निकालकर चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब रहे कि 10 मार्च 1959 को ही बौद्ध धर्मगुरु तिब्बत छोड़ने पर मजबूर हुए थे। दलाई लामा ने चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए अपने देश के हजारों की संख्या में देशवासियों के साथ रात के घने अंधेरे में चीन को चकमा देकर देश छोड़ दिया था और नेपाल भूटान से होते हुए भारत में आकर शरण ली थी। निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोबसांग सांगे ने कहा कि हम सभी को मिलकर चीन को बदलना है, नहीं तो चीन हम सबको बदल देगा। उन्होंने कहा कि अब भारत को भी महसूस हो रहा है कि चीन को बदला नहीं गया तो चीन सभी को बदल देगा। चीन सभी जगह से अपनी जड़ें फैलाने में लगा हुआ है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मीडिया हो या सरकार हो। आज के दिन है एक दुखी के दिन है। आज के दिन हमारा तिब्बत में चीन ने लाखों लाखों आदमी का बेरहमी से मार दिया है, इसलिए आज के सभी खून के होली खेल दिया चीन ने। आज के दिन है तिब्बत को चीन ने कब्जा किया हुआ है। आज के दिन कोई भाग्य आया, कोई हिंदुस्तान में आया, कोई विदेश में किया, अब इसलिए हमारे जो जो तिब्बत है जो हिंदुस्तान की मेहरबानी से अभी हिंदुस्तान इतने प्यारे से शरण लेके बैठा हूँ। हाँ जी, आज हमारा 62nd विरोध आदर्शन दिवस है, 62nd एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल अपराइजिंग डे। इस दिन तिब्बत में चीन का सेना ने तिब्बत कब्जा किया और लाखों लोग तिब्बती को मारवा दिया और हमारे जितने भी मोनास्ट्रीज में जो ट्रेजर्स है उसको लूट लिया। अभी भी हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स है सब लूट रहा है और 155 तिब्बतन लोग ने सेल्फ इमोलेशन किया, उसमें से 130 उन शहीद हो चुका है। इसलिए हम याद करते हैं उन सबको जितने भी अभी प्रिजन में है, जितने भी उनको मार रहा है, याद कर रहा है कि उनको मैसेज दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो।